हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइडर एसपी। होंडा ने फाइनली अपने यूनिकॉर्न का BS6 वर्जन को लॉन्च कर दिया है और ये जो बाइक है आज मेरे साथ है। तो आज आपके लिए मैं इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू करूंगा, इसको चलाऊंगा, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो सभी देखूंगा, क्या क्या फीचर्स है, क्या नई चीज इसमें इंक्लूड किए गए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि ये बाइक कैसा होगा, नया BS6 वर्जन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो फाइनली ये बाइक मेरे साथ है, तो आज आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसको मैं चलाऊंगा, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होंडा यूनिकॉर्न ऐसे एक बाइक है जिसको लेकर लोगों में काफी सारी इंटरेस्ट है। इस वीडियो में हम जानेंगे होंडा यूनिकॉर्न BS6 वर्जन उन सारी उम्मीदों को पूरा कर पाता है या नहीं। मैंने पहले ही होंडा यूनिकॉर्न BS6 2020 का एक डिटेल वॉक अराउंड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसका प्राइस और सभी फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मैं इसका एक डिटेल्ड फर्स्ट राइड रिव्यू बनाऊँ, तो फाइनली मैं इस बाइक के साथ मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एनीवे फ्रेंड्स, लेट्स राइड द बाइक नाउ। जैसे कि आप देख रहे हैं बाइक को टर्न करना कितना ईजी है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो BS6 यूनिकॉर्न है ये BS4 यूनिकॉर्न से 6 kg हल्का है, इसके कारण इस बाइक का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अब बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। मुझे पता नहीं होंडा ने किस तरह इसका वेट को रिड्यूस कर दिया, पर मुझे लगता है नया जो इंजन है इसका वेट पुराने वाला इंजन से थोड़ा हल्का है। तो आपको बता दूँ, BS6 यूनिकॉर्न में सबसे बड़ा जो चेंज है वो है इसका नया इंजन। अभी इस पर पुराना 150 cc इंजन की जगह हॉर्नेट या एक्सब्लेड वाला 162 cc इंजन लगा हुआ है। अभी तक इसको चला के जितना मेरे समझ में आया है इसका इंजन का रिफाइनमेंट लेवल इज जस्ट फटाफटी। सीरियसली दोस्तों, होंडा इंजीनियर्स की तारीफ करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एक स्मूथ इंजन बनाया है। मैंने BS4 हॉर्नेट या एक्सब्लेड को चलाया है, लेकिन दोस्तों इसका स्मूथनेस उन बाइकों से कई गुना ज़्यादा है। वीडियो देख के शायद आपको पता नहीं चलेगा कि दोस्तों ये बाइक बहुत ही एफर्टलेसली रन कर रहा है। पहले मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि इसका इंजन को बदला गया है, लेकिन इसको चलाने के बाद ये चीज़ मैं साफ कह सकता हूँ कि इसका इंजन जो है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। क्योंकि ये बाइक अभी FI के साथ आता है इसलिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है एंड क्लच फील भी बहुत लाइट है। और एक बात है कि जो पिकअप है इस बाइक का वो पहले से बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। इसका रीज़न है, एक तो इसका वेट हैज़ गॉन डाउन बाई 6 kg एंड इसके साथ ही इसका टॉर्क जो है उसको 1.2 Nm तक बढ़ाया गया है, और वो जो एक्स्ट्रा पावर है वो आपको ईजिली मालूम होता है। और ये बाइक पहले से हल्का होने के कारण पिकअप को और भी एनहेंस करता है। अब बात करते हैं इसका राइडिंग कम्फर्ट, सिटिंग पॉस्चर एंड सस्पेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ये आराम से बड़े झटकों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। सस्पेंशन सेटअप अच्छा होने के कारण बम्पर या गड्ढों के ऊपर से भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर आपको BS4 मॉडल से थोड़ा लॉन्ग सीट मिलता है, सो BS6 यूनिकॉर्न का सीट अभी और भी स्पेशियस हो गया है। सीटिंग पोस्चर एकदम पहले जैसा है, एक आइडियल कम्यूटर बाइक पे फुट पैक की पोजीशन जैसा होना चाहिए यहाँ पर वैसा ही रखा गया है। अगर ब्रेकिंग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी ब्रेकिंग क्वालिटी मिलता है, स्पेशली जो फ्रंट ब्रेक है ये बहुत ही अच्छा बाइट आपको प्रोवाइड करता है। पीछे आपको डिस्क लेने का कोई ऑप्शन कंपनी नहीं देता है, ये एक माइनस पॉइंट है। इसका रीज़न है, यहाँ पर आपको एक्सब्लेड या हॉर्नेट की तरह चौड़े टायर्स नहीं मिलता है तो उस पर डिस्क ब्रेक नहीं सूट करेगा। खैर जो भी हो, मेरे हिसाब से जिस कंडीशन के लिए ये बाइक बना है उस पर रियर डिस्क ना हो तो भी चलेगा।
तो अभी तक मैंने जो जो पॉइंट्स कवर किया उससे आपको ये बाइक अच्छा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डिसअपॉइंट किया है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, इस बाइक पे आपको ACG यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर ये फीचर नहीं मिलता है, और इसीलिए बाइक पे आपको साइलेंट स्टार्ट मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। एक्टिवा सीरीज और SP125 में ये फीचर अवेलेबल है। दूसरी बात है इसका आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंटल कंसोल। यहाँ पर आपको पहले की तरह फुल एनालॉग सेटअप मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल ऐड होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पर मुझे लगता है कुछ लोगों को ये रेट्रो डिज़ाइन अच्छा लगेगा। इसके साथ ही साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ या साइड स्टैंड अलार्म ऐसी कोई फीचर इसमें नहीं है। स्विचेस की क्वालिटी भी बहुत ही एवरेज है। तीसरा पॉइंट है, इस पे आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलेगा। जहाँ तक मुझे खबर है सारी गाड़ियाँ अपने BS6 मॉडल पे LED हेडलैम्प इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर होंडा ने इस बाइक को हैलोजन हेडलैम्प के साथ लॉन्च किया है। चौथा पॉइंट है इसका प्राइस। ये जो BS6 यूनिकॉर्न 160 है, ये BS4 यूनिकॉर्न से लगभग 13,000 रुपये ज़्यादा कीमत का है। मैंने BS6 वर्जन के प्राइस में इतना इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये थे सारे इसका माइनस पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट में ये बाइक बहुत ही अच्छी है। अगर आप फीचर्स में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और प्राइस पे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं तो ये बाइक आप ज़रूर खरीद सकते हैं। अगर आप ये बाइक या फिर होंडा की किसी भी बाइक खरीदना चाहते हो तो आप कुसुम होंडा को विजिट कर सकते हो। शोरूम की सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, राइड सेफ।